हेलो बच्चों, इसके बाद हम देखेंगे चैप्टर एक ही है, संचालन कार्य विस्तार। अब इसके बारे में हम जानेंगे संचालन यानी जिस तरीके से काम को हमें अंजाम देना था, तो विस्तार यानी कि एरिया के मुताबिक। तो यहाँ पर लिखा है किताब के अंदर कि कोई भी काम को अंजाम देने के लिए संचालन करना जरूरी है। उसी के साथ साथ में कोई चीज का अगर पैदावार करना हो तो उसकी जानकारी जरूरी है, और कितनी मांग यानी कि लोग उस चीज को कितना पसंद करते हैं, और बाजार के अंदर उसकी डिमांड, उसकी मांग कितनी है, और बाजार के अंदर उसकी वैल्यू कितनी है, उसके पीछे कितना मेहनत करनी पड़ेगी, और उसके पीछे मेहनत करने के बाद उससे हमें पैसा यानी कि नाणा, जिसको गुजराती में नाणा बोलते हैं, तो कितना पैसा हासिल करना है, कितना पैसा उसके पीछे खर्च करना है, इन तमाम चीजों को तो नाणा के संचालन के अंदर होता है। लेकिन इन तमाम काम को जोड़ने का जो पूरा आधार है वो मानव शक्ति यानी इंसान की मेहनत के ऊपर है। इसके लिए मानव संसाधन यानी कि इंसान की मेहनत इंसान को आगे बढ़ा सकती है। तो यहाँ पर हमने चार पॉइंट लिखे उसके विस्तार के हिसाब से। पहला पॉइंट हमारा यहाँ पर है मार्केटिंग संचालन, दूसरा है मानव संसाधन संचालन, तीसरा है नाणकीय संचालन, और चौथा है उत्पादन संचालन। तो मार्केटिंग को दूसरा हम लोग बाजारीय भी बोल सकते हैं, यानी कि बाजार के अंदर जब कोई वस्तु को पैदा की जाती है यानी वो पैदा की गई बाजार के अंदर आती है, अब ग्राहक तक उसको पहुंचाना है, मतलब ग्राहक कौन सी चीज को पसंद करता है और कितने अर्थ में यानी कि ग्राहक उस चीज को पसंद करेगा कितनी कीमत के अंदर। तो यहाँ इसकी पहले व्याख्या देख लेते, उसका अर्थ देख लेते हैं कि माल यानी कि चीजें और सेवा या उत्पादन यानी पैदावार करने वाले के पास से ग्राहक तक जिसने पैदा किया वह, और वही चीज ग्राहक यानी कि जो खरीदार करने वाले हैं वह लोग, वहां तक पहुंचाने की जो पूरी प्रोसेस यानी कि प्रक्रिया, पूरा काम जो है उसको विशाल अर्थ बोलते हैं, यानी कि बड़े पैमाने में होती है चीजें, क्योंकि पैदावार करने वाला मेहनत कई सालों से करता है। अब एक चीज ले लो, एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं कि एक आलू की चिप्स। अब आलू की चिप्स बनती कैसे है, तो पहले आलू कैसे बने, तो किसान ने इसकी मेहनत खेतों के ऊपर की, आलू उगाए, उसके पीछे 3-4 महीने निकाले, उसने जमीन से आलू निकालकर उसने मार्केट के अंदर बेचे, मार्केट के अंदर से कंपनी वाले ने आलू को खरीदा, कंपनी वाले ने उसके पीछे मेहनत की और तब जाकर आलू की वेफर यानी कि चिप्स बनी। फिर मार्केट के अंदर लाने के लिए कंपनी ने अपने गाड़ी के जरिए से मार्केट के अंदर दुकानों तक उसको पहुंचाया, यानी बहुत लंबी मेहनत के बाद एक चीज हमारे तक पहुंचती है। इसके लिए इसको विशाल बताया, इसके लिए उसको मार्केटिंग संचालन बोलते हैं, यानी कि इंसान पैदावार करता है तब से लेकर इंसान इस्तेमाल करेगा तब तक की चीजों को मार्केटिंग संचालन कहा गया, यानी ग्राहक तक वो चीजें पहुंचानी है। तो इसके अंदर पैसों का इस्तेमाल किया जाता है, और जो चीज वितरण के हिसाब से कितने कितने हिस्सों में बांटनी है, जैसे कंपनी वाला यानी हमारे मोहल्ले के अंदर भी हम लोग देख लेंगे 3 दुकान है। अब 3 दुकान के अंदर किस तरीके से लोग माल की खरीदारी करते हैं, किस तरीके से माल मंगाते हैं, तो थोड़े थोड़े हिस्से में माल मंगाते हैं। अब वो थोड़े थोड़े हिस्से में क्यों मंगाते हैं, क्योंकि जानते वो लोग कि यहाँ पर ग्राहक किस कंडीशन का है, ग्राहक किस पोजीशन का है, और वो लोग कौन सी चीज को पसंद करते हैं, कितने हिस्से तक वो खरीदी कर सकते हैं, इसके माध्यम से वो उस हिसाब से उसकी खरीदारी करते हैं, अपनी चीजें वहां पर अपने पास बसाते हैं। तो बाजार के अंदर ग्राहक जो चीज को पसंद करता है वो ग्राहक तक पहुंचाने का पूरा जो जिम्मा है वो कंपनी का होता है, क्योंकि वो कंपनी को अपना नफा कमाना रहता है। तो ग्राहक ये क्या है, हकीकत में देखा जाए तो ग्राहक एक बाजार का राजा गिना जाता है, क्योंकि बाजार के अंदर जो भी चीजें मिलती है अगर वो ग्राहक ना खरीदे तो बेचने वाला जो है उसके पास पैसा आमदनी आएगी नहीं, तो उसकी पसंद की है, उसको खरीदना हो तो खरीदे, ना खरीदना हो तो उसको कोई रोक टोक नहीं है। इसके लिए ग्राहक को राजा भी कहा गया है। और दूसरी चीज इसके अंदर बताई गई कि मार्केटिंग के अंदर यानी बाजार के संचालन के अंदर जिस चीजों को बेचने के अंदर आता है तो उसके पीछे बहुत सारी दूसरी
प्रोसेस भी होती है, जिस तरीके से इसके थोड़े बहुत काम बताए गए, जैसे वस्तु का पैकिंग यानी पैदाइश की गई वस्तु जो कंपनी के अंदर बनती है और वो कंपनी के अंदर बनी हुई चीजों को जब मार्केट के अंदर लाया जाता है तो पुरानी चीजों के साथ में नई चीजों को जोड़ दिया जाता है। उसी के साथ साथ में जितना उत्पादन किया, नई चीजें उत्पादन की, तो उसका रंग कैसा है, उसका रूप कैसा है, उसका पैकिंग कैसा है, इसके ऊपर छपाई यानी कि उसका छापने का यानी कि जो पैकेट का कलर है, अलग अलग पैकेट के कलर अलग अलग होते हैं जिससे वो सामने के ग्राहक को अपनी तरफ खींचता है, यानी ये सारी की सारी चीजें ग्राहक को अपनी तरफ खींचने के लिए होती है। और इन तमाम चीजों को मार्केटिंग के अंदर समावेश किया गया, जोड़ा गया ताकि ग्राहक अपनी चीजों को खरीदी कर सके। इसी के साथ साथ में कीमत है, तो कीमत किस तरीके से तय की जाती है, तो सामने वाले की पोजीशन क्या है, किस तरह तक वो खरीदी कर सकता है, उस तरीके से उसकी कीमत को तय किया जाता है। उसके बाद वितरण यानी क्या, किस तरीके से व्यापारी तक पहुंचाना, जत्थे में भी यानी अलग अलग व्यापारियों तक माल को पहुंचाना रहता है। तो बड़ी कंपनी अपनी गाड़ियों के जरिए से अलग अलग जगह पर अपना एक गोडाउन करती है, गोडाउन के जरिए से छोटे छोटे व्यापारी तक माल की सप्लाई करती है, जिसको वितरण कहते हैं। एजेंट तक पहुंचाती है, अलग अलग छोटे छोटे व्यापारियों तक पहुंचाती है, बड़ी गाड़ियों से लेकर छोटी गाड़ियों तक उड़ाती है वहां पर, ये सारी चीजें भी इसके साथ में जुड़ी है। उसके बाद अभिवृत्ति, तो अभिवृत्ति किसे कहते हैं कि जब बेचा यानी कि जब बिक्री की जाती है तो उसका नोंद की जाती है, जब ये प्रयत्न किए जाते हैं कि भाई किस तरीके से हमारे बाजार के अंदर हमारी वैल्यू क्या है, हमारी चीजों की वैल्यू क्या है, बाजार के अंदर हमारे किस तरीके से प्रतिसाद मिल रहा है, यानी कि हमारी वैल्यू का प्रमाण बढ़ता है कि नहीं बढ़ता होता, व्यापारी को हम लोग आकर्षित कर रहे हैं कि नहीं, ग्राहक हमारी चीजों की तरफ आकर्षित होते हैं कि नहीं, उन तमाम चीजों को ध्यान में रखता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट हमारा है मानव संसाधन संचालन। मानव संसाधन संचालन क्या है, तो ये जो है वो कर्मचारी का कौशल यानी कर्मचारी किसा है, उसके अंदर बुद्धि, उसके अंदर अच्छी आदतें बुरी आदतें, उसका व्यक्तिगत स्वभाव कैसा है, उन तमाम चीजों को ध्यान में रखकर फिर बाद में उसके बाद आदेश लेता है कि उसके साथ में किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए। उसके लाक्षणिकता और उसके महत्व अलग है। उसके बाद तीसरा पॉइंट हमको बताया नाणकीय संचालन, तो नाणकीय संचालन के अंदर भी ये होता है कि जीवनदाता यानी कि पैसा जो है एक जीवनदाता के रूप में बताया गया है, क्योंकि पैसे के बिना कोई चीज हम लोग खरीदी कर सकते हैं नहीं आज के दौर में, इसीलिए पैदावार करना हो तब भी पैसे की जरूरत है, बिक्री करनी है तो तब पैसे की जरूरत पड़ती है, इसलिए बिक्री की जाती है। इसके लिए ये तमाम चीजों को आपस में दूसरे से जोड़ा जाता है, तो ज्यादा नफा हासिल करने के लिए लोग इसके लिए एक टारगेट रखते हैं, गोल रखते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा नफा कमा जा सके। उसी के बाद हमारा चौथा जो उत्पादन के संचालन बताया, चौथा पॉइंट हमारा, तो ये भी इसके लिए ही है, तो इसके अंदर काम को बांटा जाता है, काम को अंजाम दिया जाता है, किस तरीके से उस काम को अंजाम दिया जाए ताकि ग्राहक को हम अपने साथ में जोड़ सके, तो उसके अंदर भी किस तरीके से काम को अंजाम देना है, लोगों के साथ में जुड़ना है, उसका कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए, अगर कोई रुकावट तकलीफ देती है तो उसको रोकना चाहिए, इसके अंदर भी इसका मुद्दे दिए हुए, इसके पॉइंट दिए हुए है जो सीधे सीधे एक एक पॉइंट है जो हम लोग किताब के अंदर से ही पढ़ सकते हैं। तो ये जो हमारे पास था वो क्या था, संचालन का कार्य का विस्तार, यानी कि एरिए के मुताबिक हम लोग बाजार यानी कि बाजार के अंदर इंसान को किस तरीके से अपने साथ में जोड़ना, मानव संसाधन इंसान के साथ में कैसे जुड़ेगा, पैसे के जरिए से इंसान कैसे जुड़ेगा, और पैदावार करने के लिए इंसान किस तरीके से जुड़ेगा, किस तरीके से पैदावार करनी चाहिए, इन तमाम चार चीजों को लेकर आयोजन करना और मार्केटिंग के अंदर अपने संचालन को करना बहुत आसान बन जाता है। अगर इन चीजों को ध्यान में ना लो तो हमारे लिए मार्केटिंग करना या संचालन करना बहुत मुश्किल है।